you arrived in like span of 2 minutes. Oh, is it? Yeah, yeah. As good as we planned it. It's all planned. सबसे पहले कांग्रेचुलेशन फिल्म रैप अप हो गई है थोड़ा सा बताइए यस यस सो फिल्म के बारे में कुछ बताइए अगर फिल्म या या लेट देम थांबूया दोन मिनटं काय प्रॉब्लेम नाही हो हो नाही ओके गरत गणपती बेसिकली गरत इज देअर लास्ट नेम दॅट्स वाय इट्स कॉल्ड गरत गणपती कैरेक्टर के बारे में तो जल्दी बताएंगे लेकिन एज नवजोत राइटली सेड वी टेक दिस एज एन अपॉर्चुनिटी एज वी हैव रैप्ड द फिल्म कि इस फिल्म का नाम है घरत गणपति मराठी में घरात गणपति होता है जिसका मतलब होता है कि घर में गणपति तो लेकिन इस फिल्म का नाम घरात गणपति नहीं है घरत गणपति है इट्स नॉट अ टाइपो और अ स्पेलिंग मिस्टेक और एनीथिंग दैट इज द टाइटल ऑफ द फिल्म बिकॉज दिस मूवी इज अबाउट द घरत फैमिली और उनके घर में गणपति है उसके रिवॉल्विंग स्टोरी है सो जल्द ही कैरेक्टर के बारे में तो बताऊंगा बट वी आर वेरी हैप्पी दैट द फिल्म हैज रैप्ड सक्सेसफुली वी हैड सम थ्री वेरी सक्सेसफुल स्केड्यूल्स एंड सो हैप्पी विद इट द वे द फिल्म हैज टर्नड अप सो टुडे इज द टाइम टू सेलिब्रेट दिस मोमेंट वेयरइन वी हैव फाइनली रैप्ड द फिल्म एंड वी वुड सून स्टार्ट डबिंग एंड यू वुड गेट द ग्लिम्पसेस ऑफ द फिल्म एज वेल सो थैंक यू सो मच Actually, honestly, as you rightly said, this is my first time debuting in a Marathi film. So, एक अलग ही तरीके का excitement है. ऐसा लग रहा है पहली बार है. एक नए setup में मैंने काम किया है. बहुत बहुत मजा आया मेरे को. So, I think the thing that I'm most excited about is कि आप सब जो हमारी मेहनत है उसको जल्द से जल्द एब्सोल्युटली फैंटास्टिक उनकी पहली फिल्म मराठी पहली फिल्म होगी लेकिन उन्होंने काफ़ी काम हिंदी में किया हुआ है सो दैट एक्सपीरियंस मैटर्स एंड इसीलिए काम करते वक्त वो कहीं नहीं था कि वो मराठी फिल्म पहली है इसलिए कुछ अलग है डेफिनेटली बोथ इंडस्ट्रीज आर अ लिटिल डिफरेंट बट येट अलाइक ईच अदर सो आई डोंट थिंक सो देयर वाज लॉट ऑफ डिफरेंस बट वी वर्क आउट रियली वेल द I would say the chemistry between us has worked out well. Now it's for the audience to decide. Audience jaldi batayenge ki how you like our chemistry. But I guess Navjot was happy with it. Yeah, yeah. Were you? I mean, I'm very happy to introduce two beautiful and handsome faces to the industry. देखिए ये एक ऑनसम्बल फिल्म है वी हैव 14 कैरेक्टर्स निकिता एंड भूषण आर द लीड कैरेक्टर्स इन द फिल्म मराठी में पहली बार हमने स्क्रिप्ट रीडिंग टेबल रीडिंग जो रहता है इट्स मोर ऑफ अ यूएस फॉर्मेट आई कम फ्रॉम स्कूलिंग ऑफ यूएस तो हम लोग ने ये फर्स्ट टाइम रीडिंग किया जहाँ पे ऑल 14 ऑफ द एक्टर्स केम टुगेदर उन्होंने उनका कैरेक्टर उनके डायलॉग एक साथ बोले सो यू अंडरस्टूड कि फिल्म का फ्लो क्या है कैरेक्टराइजेशन कैसे हुआ है सो दिस इज समथिंग न्यू दैट हैज हैपेंड इन द मराठी इंडस्ट्री कनेक्ट आए तो आई थिंक इट्स गोइंग टू बी लाइक ग्रेट फॉर ऑल ऑफ अस वो तो
की शुरुआत में था, आज आप फिल्म के रैप पर मिल रहे हैं। तो आई थिंक फिलहाल जो हमने पापा से मांगा था कि हमारी ये जो फिल्म है बहुत अच्छे से शूट हो जाए, दैट हैज बीन सक्सेसफुल। नाउ ऑफ कोर्स वी विल रियली वांट दैट जिनके लिए फिल्म बनाई है ऑडियंस के लिए, वो इस फिल्म को पसंद करें। तो दिस ये जो फिल्म है ये गणपति फेस्टिवल के ऊपर बनाई गई है। दिस इज द फर्स्ट टाइम कि वी आर एक्चुअली शोइंग द एंटायर गणपति फेस्टिवल थ्रू द स्टोरी, मतलब गणपति का आगमन से लेके एवरी कल्चरली वी हैव ट्राई टू शो। और दिस इज द फर्स्ट टाइम मराठी में टॉप के 14 एक्टर्स हैव कम टुगेदर। इट्स वन ऑफ द बिगेस्ट एंसेंबल कास्टिंग वी वर एबल टू अचीव। और लास्ट में आई वुड लाइक टू से कि ये एक स्टोरी, हर घर की स्टोरी है। एवरी कैरेक्टर, ये आपके घर के चाचा, दादा, मामा, अंकल, ये उनकी स्टोरी है। सो आप जब भी थिएटर में देखने आएंगे तो आप आई एम श्योर यू विल बी एबल टू रिलेट टू इट। थैंक यू। एंड डेफिनेटली दिस फिल्म रिलेट्स एंड शोज लॉट ऑफ मराठी कल्चर, एंड दिस इज समथिंग रियली गुड दैट द ऑल द ऑडियंस इज डेफिनेटली गोइंग टू गेट टू पीप इनटू व्हाट द मराठी कल्चर एक्चुअली इज, एंड अ रिच मराठी कल्चर, नॉट अ वेरी टिपिकल मराठी कल्चर। सो देयर इज गोइंग टू बी अ रिलेटेबल पोर्शन और आप सबको बहुत ये पीपल डेफिनेटली पसंद आएगी। सो फिंगर्स क्रॉस एंड लेट्स पार्टी। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। Mine is that, yeah.